Assalamu alaikum, dear students. Today is 23rd of April 2021. You know, we are reading English of class 8th. Today we are going to learn about working with the text, that is textual questions. So here, as you know that you have finished this lesson life, now we are going to exercise their questions with answers. What answer did the question number one, what answer did the star give to the wind? तो कौन सा जवाब विंड को मिला जब उसने स्टार को ये सवाल किया, what is life? The star told the wind that no shine with one's own brightness is life, कि कोई भी जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जिसकी ना कोई अपनी चमक हो. He seemed to them as if they had been released from captivity when there was no moon. So then they felt that they had some power and a large family of their own. The star's life of dependence was no life at all. Now the question number two is, what was the moon's reply? तो मून का जवाब क्या था to the wind, wind के लिए? The moon replied, तो मून ने reply किया है that the dark spots जो उसके ऊपर काले दबे लगे हैं on it were because of borrowed light, जो उसके ऊपर जो काले दबे लगे हुए हैं वो जो उदार की रोशनी मुझ में है ये भी कोई जिंदगी नहीं है. He felt it, तो उसने इसको जो महसूस किया है was like a shroud, कि एक कफन की तरह है covering जो इसके ऊपर लगा हुआ है. Its dead body, उसके जो लाश पर जो कफन लिपटा हुआ है ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है क्योंकि मेरे पास तो उदार की रोशनी है. Its light appeared to him like the laughter of a widow, कि ये जो इसकी जो अपनी जो इसकी जो रोशनी है ये बिल्कुल उस विडो की तरह होती है जिसमें कोई दिल से हंसी नहीं होती है. तो ये मेरी लाइफ बिल्कुल उसी के मानद है. तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओशन्स रिस्पांस? तो ओशन का जवाब क्या था? द ओशन सेड इट आइडिया ऑफ लाइफ वाज नो रियलाइज वन्स लिमिट्स, कि अपने ही हदूद में रहना ही ये एक जिंदगी है. एंड मेंटेन वन्स डिग्निटी, और अपनी ही इज्जत में समा रहना. ही इज ही फर्दर सेड, इसके अलावा उसने कहा दैट इज सॉल्टी वाटर्स प्रोड्यूस पर्ल्स एंड क्रिएट क्लाउड्स, जो ये सॉल्टी वाटर मुझ में है, जो ये समंदरों में सॉल्टी नमकीन पानी होता है, इसी से हीरे जवाहरात बनते हैं. एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, और इनसे फिर बादल बनते हैं, और यही बादल रोशनी यही बादल बारिश बरसाते हैं. द ओशन कंसिडर्ड दिस लाइफ इज लाइफ ऑफ पेनेंस और रेनन्सेशन. तो ये जो ओशन का जवाब था कि जो ये जिंदगी है ये जिंदगी तो सन्यास की जिंदगी है, ये जिंदगी वो जिंदगी है जिसे दुनिया को कोई एक इंसान को जब कोई दुनिया से गरज नहीं होता है तो इसे एक रेनन्सेशन कहते हैं. तो हियर इट इज़ नाउ क्वेश्चन नंबर फोर,
what was the earth's reply, to earth ka reply kya tha to the question put forward, jo uske to put forth ki kaun sa jawab diya tha earth ne her by wind ko. The earth said that according to her life is love, to earth ne kaha ki life zindagi to sirf mohabbat hai. She always she says to usne kaha she gets water from clouds, कि ज़मीन में जो पानी होता है वो बिल्कुल जो ज़मीन के अंदर जिसको हम कहते हैं जो वाटर ज़मीन के अंदर होता है वो सिर्फ वो वाटर बादल जब बनते हैं तो बादल ये बारिश बरसाते हैं, चाहे वो रिवर्स का है रिवर्स में है चाहे स्ट्रीम्स में है. शी डिस्ट्रीब्यूट्स दिस वाटर अमंग द थर्स्टी, तो फिर इस पानी को जो बादल हमें पानी देता है तो ये हम फिर प्यासों को पिलाते हैं ये पानी. अकॉर्डिंग टू हर उसके मुताबिक दिस टेकिंग एंड गिविंग इज ट्रू लाइफ, के जो मैं लेता हूँ और फिर जो मैं बांटता हूँ तो इसको लाइफ कहते हैं. तो फिर ये विंड कहाँ जाती है, वी विल सी व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग. तो लिटिल गर्ल क्या कर रही थी जब विंड ने देखा, व्हेन द विंड सॉ हर, जब विंड ने शी वाज लाइटिंग, वो जला रही थी न्यू लैंप्स नए चिराग, विद द लैंप एक चिराग से, दैट वाज अलाइट जो बिल्कुल जो चिराग खुद जलता है, तो उसने दूसरे चिरागों को भी जलाया. लेकिन यहाँ पर उसने उन चिरागों में तेल होता है, लेकिन ऐसे ये चिराग ये लड़की उन चिरागों को नहीं जलाती थी, उन दियाओं को नहीं जलाती थी जिनमें कोई तेल नहीं थी, यानी जिनमें कोई ज़िंदगी नहीं थी, जिनमें कोई रूह नहीं थी, तो उनको वो नहीं जला रही थी. वाई वॉज विंड इम्प्रेस्ड, तो क्यों विंड इम्प्रेस हुई मुतासिर हुई उस लड़की से. द गर्ल हैड लेफ्ट सम लैंप्स अनलाइटेड, तो इस गर्ल ने कुछ चिरागों को नहीं जलाया है, उसने नहीं जलाया अपने चिराग से. ऑन आस्किंग द रीज़न द गर्ल रिप्लाइड, जब विंड ने इससे वजह पूछी कि तुम क्यों नहीं इनको जला रही हो, तो गर्ल ने जवाब दिया that there was no point in lighting them, ke un ye diya to sawal hi paida nahi hota ki ye jal sakte hain, since they had no oil, kyunki unme tel nahi hai unme rooh nahi hai. She was lighting only, wo jala rahi thi unko, those unko who were yearning to wake, jo bilkul hoshiyar the and waiting to be lighted, तो उनको वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें जलाया जा रहा जलाया जाएगा, क्योंकि उनमें तो तेल था. ही इट इम्प्रेस्ड, तो इससे मुतासिर हुई द विंड वेरी मच बहुत. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर, वाई डिड द विंड ज्वाइन द लिटिल गर्ल, तो फिर विंड क्यों शामिल हुई उस लिटिल गर्ल के साथ. इट ज्वाइनड द लिटिल गर्ल बिकॉज इट वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, क्योंकि विंड बहुत मुतासिर हुई बाय द गर्ल्स एक्शन, जो वो लड़की सरगर्मी कर रही थी, जो वो लड़की एक्शन कर रही थी ऑफ लाइटिंग द लैंप्स, जो वो चिरागों को जला रही थी. ये विंड को बहुत पसंद आई, तभी वो इसके साथ शामिल हुई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट filler for each of the following from the given option. जो given option है यहाँ पर, तो पहला है हमें उनको इन he tames animals because he, तो ये तो नीचे जो चार options दिए गए हैं, seldom loves them, is afraid of them, is fond of them,
hates them, तो क्या इसमें से आएगा, तो आपको इन चार में से बताना होगा. He tames animals because he is afraid आएगा, is fond of them आएगा, तो seldom loves them आएगा या hates them आएगा, is fond of them is correct answer for it. He is so lazy that he always helps others, dislikes work. तो dislike work, can seldom complete his work, cannot delay his work. तो इन चार में से आपको बताना है कि इसमें से कौन आएगा. तो मेरे ख्याल से इसमें से बी जो ऑप्शन दिया गया है, he is so lazy that he dislikes work. तो वो इतना लेजी, सुस्त है कि वो काम को ना पसंद करता है. तो इसका ऑप्शन आएगा नंबर टू, बी, डिसलाइक्स वर्क. तो पहले का आएगा इज फॉन्ड ऑफ देम. तो दूसरे का आपने सुना वो, तो पहले ऑप्शन का आएगा सी, दूसरे का आएगा बी. तो यहाँ पर नंबर थ्री, Whichever way you approaches the problems, तो इसका आएगा it no one will not solve it, it will not solve. C, it will not be solved, it will not be solved. तो इसका हमें इसका जो तीसरा है फिलर जो है, तो इसका जो डी पार्ट है इसका आएगा विच एवर वे यू अप्रोच द प्रॉब्लम, इसका आएगा इट विल नॉट बी सॉल्वड. तो नंबर फोर, द डॉक्टर वार्न्स हिम दैट अनलेस ही गिव्स अप स्मोक. तो इसमें से आएगा चार ऑप्शन भी है इसमें, he will be able to recover, he will not suffer, his health will soon be recovered, he will not recover. तो the doctor warns him that unless, जब तक न, he give up, छोड़ेगा smoking cigarette को, तो इसका चौथा आएगा that he will not रिकवर. तब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा जब तक ये सिगरेट को छोड़ देगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर टू और लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज वर्क. तो मैं यहाँ पर ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ. तो कल हम जो इसका दूसरा कुछ ऑप्शन है या कंसल्ट जो हमें करनी है डिक्शनरी, तो इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे. तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. लेकिन क्लास के इस वीडियो के बाद मैं आपको एक फ़ोटो इसका दूंगा, तो आप अपनी नोटबुक पर इस लेसन के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको आप लिखेंगे. तो ये एक होम असाइनमेंट है, होप you will be able to done it in a very good writing. So goodbye till then. Khuda hafiz.